कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन से धामपुर का लौह बाजार बेनूर हो गया है। लोहे के बर्तनों की चमक कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गई। लोहा कारोबार से जुड़े अनेकों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं सभी कारखाने पूरी तरह से बंद पड़े हैं। कारोबारियों की माने तो लाखों रुपए का प्रति माह टर्न ओवर करने वाला लोहा कारोबार इन दोनों बुरे दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर कारोबारियों में मायूसी का आलम देखा जा रहा है। दरअसल धामपुर तहसील क्षेत्र उद्योगों की दृष्टि से जनपद में अहम स्थान रखता है। तहसील मुख्यालय का लौह उद्योग नगर ही नहीं जिले की शान माना जाता है, लेकिन लॉकडाउन के दौर में यह उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित होकर रह गया है। यहाँ पर लोहे की कढ़ाई बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। स्योहारा, नूरपुर, चांदपुर, नजीबाबाद, काट, बरेली, सहारनपुर, दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों में यहाँ निर्मित लोहे के बर्तन भेजे जाते हैं। लोहा कारोबारी मोहम्मद शहबाज ने बताया कि उनके कारखाने में लोहे की कढ़ाई बनाने का काम होता है। लॉकडाउन को आज लगभग 50 दिन बीत चुके हैं। उनका कारोबार पूरी तरह बंद पड़ा है। उन्हें सरकार से लोहा कारोबार की तरफ कुछ ध्यान देने की उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनका कारोबार पूरी तरह से दम तोड़ चुका है और इस कारोबार से जुड़े अनेकों श्रमिक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। लोहा कारोबार से जुड़े खालिद सैफी बताते हैं कि धामपुर में लोहे के बर्तनों में तवा, परात, कढ़ाई, छलनी, लोहे के गेट एवं कृषि उपयोग में आने वाले अनेक उपकरण बनाने का काम होता है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते लोहा कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा होने से वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, लेकिन आज तक लोहा श्रमिकों की मदद को प्रशासनिक के स्तर से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। लॉकडाउन का असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ना शुरू हो गया है। उन्हें आस जगी है कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनकी कुछ मदद जरूर करेगी। नाम आपका? मोहम्मद खालिद। क्या काम करते हैं? ग्रिल का। अच्छा, जब से लॉकडाउन लगा है काम आपका बंद है? काम बंद है। फिर क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है। लॉकडाउन खुले तभी कुछ काम होगा। नाम है? मोहम्मद शहबाज। क्या काम करते हैं? लोहे का काम है हमारा। अच्छा, व्यापारी हैं या बनाते हैं? हम बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, बना के दोनों काम है। अच्छा, जब से लॉकडाउन हुआ है आपके कारोबार की क्या स्थिति है? मुझे काम धंधे तो सब कट पड़े हैं और सारा जो मोहल्ले का मजदूर है सब बेकार पड़ा है। सारा काम धंधा ख़त्म है और सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं? बस यही कि वो हमारे काम में कुछ रौनक लावे, कुछ हिसाब बनावे हमारा। आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या काम करते हैं? लोहे का काम है। अच्छा, धामपुर में कितना कारोबार होता है लोहे का? टर्नओवर का कुछ अंदाजा नहीं कह सकते किसी का, क्या है क्या नहीं है। तब भी लाखों रुपए का तो काम होता होगा। हाँ, कितने लोग, कितनी जगह यहाँ काम होता कारखाने? दसियों छोटे छोटे मजदूर हैं, सब अपने अपने काम करते हैं और सब खाली पड़े हैं। क्या क्या सामान बनता लोहे का है? तवा, कढ़ाई, तसला, ये कुछ भी मजदूरी का काम या वैसा भी अपना होता है। सप्लाई कहाँ कहाँ होता है? सभी जगह, जहाँ भी, जहाँ का भी ग्राहक आ जाए, कस्टमर आ जाए, वो ले जाता है। नहीं, जिले से बाहर भी जाता है कहीं माल? सभी जगह जाता है। अच्छा, जैसे दो जिले से बाहर भी, नहीं नजीबाबाद, तुम्हारा बरेली और मुरादाबाद, रामपुर, इधर उधर कहीं भी, मतलब सब जगह जाता है। और तो क्या, जब से लॉकडाउन हुआ सरकार ने कुछ आपके लोहा श्रमिकों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया अभी तक तो, लेकिन उम्मीद है कि कर सकती है सरकार। कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है तो करेगी हमारे लिए भी कुछ ना कुछ।